तो जी फाइनली अगले दिन की शुरुआत होगी, और पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने जो मोटर होम फाइनल किया था एक्चुअली वो विंटर वाला, वो थोड़ा छोटा निकला तो हमने वो कैंसिल कर दिया लास्ट मोमेंट, और एक और रिजर्वेशन करा ली। माता जी इस बार 3300 वाला लिया, बढ़िया वाला थीक है, थीक है। बड़ा बड़ा आराम मिलेगा ना, आराम मिलेगा, वो पूरा एक्सटेंड हो जाता है, उसकी दीवार एक बार निकल जाती है तो उसका खड़ा हो, तो इसलिए वो काफी स्पेशियस है। 4 के करीब उसके अंदर बेड बन जाते हैं, 4 बेड, हां 3 डबल और 1 सोफा बेड। तो इसलिए अब जरा हम निकलने लगे हैं, वो मोटर होम पिक करते हैं आज, और फिर आज चेकआउट भी करना है, जर्नी आगे कंटिन्यू करनी है। कल ही समझाया है। ओह धूप सीधा सूरज आंखों में। अरे कोई बात नहीं, बर्दाश्त करने सीखे दीपा जी, अब आप शोबिज में आ गई हैं, शोबिज में कुछ बर्दाश्त करती हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, माता जी ने ताला मार दिया सूरज। चलो कोई नहीं, निकलते हैं, थोड़ा और बर्दाश्त करवाए, इन्हें उठाए नया मोटर होम। चलो जी बैठे, तो जी माता जी पहुंच गए हैं फिर कैनन ड्रीम बड़ी वाली आरवी लेने के लिए। उन्होंने 10 बजे कहा था हमारा मोटर होम एकदम टिक्चर रेडी रहेगा, बस अब जाके अंदर पार करना है। थैंक यू मैडम, और बस अब माता जी को बिठाना है, माता जी दर्शन कराते फिर आपको नई आरवी के। देखिए भैया सबसे पहले तो रसोई देखूं। अरे मम्मी को तो चूल्हे का होता है सबसे पहले। जितनी हमने उसमें सेटिंग कर दी सारी की सारी दोबारा करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, यही फन है जीवन का, मजा आता है। बड़ी सारी चीज़ें मिली हैं जी, एक तो रिवॉर्ड पॉइंट है ये कि अगर आपने हस्की से गैस स्टेशन पर भरवाएंगे पेट्रोल, $10 का डिस्काउंट मिल जाएगा पहली गैस फिलिंग पे। ये लिखा जी भालुओं से सावधान क्योंकि बैंथ जैसपर में बहुत ग्रिजली बेयर खुले घूम रहे होते हैं, चूहों से कैसे मोटर होम को बचाना है क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो वो लोग गर्मियों के लिए जगह ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए कि भाई चूहे अंदर ना घुस जाएँ, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया। ये पूरी डिटेल्ड मैनुअल है, इसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई हैं कि क्या क्या आपको कहाँ कहाँ पर देखना है। वैसे तो हमें मोटा मोटा पता ही है, बट ये है एक वॉकिंग गाइड कि जब आप बाहर जाएंगे ओरिएंटेशन, तो ये सारे जो चीज़ें हैं निपटा लीजिए कि कौन सी कहाँ पे पड़ रही है, फिर चाहे वो वाइट वाटर टैंक है, पानी कहाँ से भरा जाएगा, गैस कहाँ से भरती है, और इसमें लिखा हुआ है कि मोटर होम पे कहाँ कहाँ ठुड्डे लगे हुए हैं। बट हम फिर भी एक बार पूरी इंस्पेक्शन कर लेंगे और अपनी वीडियो खुद बना लेंगे ताकि हमें पता हो कि कहाँ कहाँ डैमेज पहले ही था, इन केस इन कोई बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये आपसे लगा या ये पहले ही था, क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं ना। और जी $1000 का सेफ्टी सिक्योरिटी डिपॉजिट के जब वापस करेंगे तो हमें मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। स्टाफ बहुत बढ़िया है इनका, वेरी फ्रेंडली, बहुत पूरा टाइम लगा के अच्छे से समझाते हैं क्योंकि चीज़ बहुत बड़ी है ना। So we have 2,500 kilometers in your package. Mm-hmm. If you go over those 2,500, it is 41 cents per kilometer. Okay. Double check your odometer, make sure that number is correct. Okay. If it isn't, let me know and I can change it before you leave. Okay. This big guy here, don't worry about it. It's just for our key safe in the back for our organization. So okay. Nothing to do with the motorhome itself. माता जी के शुभ हाथ लगवा दिए, इस बार ये खराब नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा। हो भी गया तो कोई डर नहीं है। हाँ हो भी गया तो कोई डर नहीं है। पहुंच गए हैं अब माता जी, ये देख रहे हो कितने अलग अलग टाइप के लगे हुए हैं, वो पीछे जो है वो विंटराइज्ड वाला है वो है 28 फुट के आसपास का। मम्मी इधर 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 मुंह करके बात करनी होती है। हाँ, पहले वही देखा था कैमरा माइक यहाँ पे है ना। और ये जो पीछे है ये छोटा वाला ये वैन है, तो इसीलिए ये भी कई लोग लेके चलते हैं, और साथ में एक ये पिकअप ट्रक के ऊपर जो है इन्होंने अलग से सोने का जुगाड़ बना दिया। सबसे पहला काम जो करना चाहिए कोई भी गाड़ी रेंट करते हो वो ऑब्वियसली यही है कि आपको इसकी बनानी चाहिए पूरी की पूरी एक प्रॉपर वीडियो, ताकि एग्जैक्टली रिकॉर्ड हो जाए कि कौन सा डैमेज कहाँ पे है। ये कहते हैं कि कुछ दिन पहले ओले पड़े थे तो थोड़े बहुत स्क्रैच स्क्रूच लग गए हैं, तो इसलिए हम इसको पूरा अच्छे से बाहर से एक्सटीरियर रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि कोई भी वो प्रॉब्लम हो या वो स्क्रैच हो वो अच्छे से दिख जाए। ये किसी ने काटते हुए स्टॉप साइन में रगड़ दिया होगा।
हरी माता जी फिर क्या फीडबैक है? बढ़िया है, उससे खुला है, उससे खुला है, उससे खुला है। हाँ, अभी तो ये एक्सटेंड नहीं हुआ हुआ निखिल, हुआ पड़ा क्या? नहीं हुआ पड़ा क्या? अभी एक्सटेंड नहीं हुआ पड़ा, अभी ये पूरी की पूरी दीवार पीछे को ऐसे बाहर निकल जाएगी। हाँ, यहाँ से होता है, देखो ये इसका कंट्रोल पैनल है, फर्स्ट क्लास बढ़िया। यहाँ से वो जो हम अपने मोटर होम के अंदर जनरेटर वगैरह चलाते थे, वोल्टेज वगैरह चेक करना, सारा का सारा इधर ही है। ये डिटेल अभी आपको थोड़ी देर बाद में समझाएंगे, मगर माता जी अब ये जो डायनेट है ये भी बेड बन जाती है, ये पूरा नीचे ये निकल जाता है हिस्सा, इसको निकाल के आप इसको पूरा बेड में कन्वर्ट कर सकती हैं। और ऊपर तो बेड है ही, और ये जो हिस्सा निकल ये भी जुड़ जाता है ना यार? हाँ, ये जुड़ जाता है। ये यहाँ पे कोई फ्लैप होता है या कुछ बाहर आएगा, ये पूरा बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए हमारे लिए सारे तक ये गद्दे कंबल ये कन्वीनियंस किट में हमें सब मिले हैं, तो हमको तौलिए वाले नहीं लाने पड़े। तौलिए भी है? हाँ। माता जी टीवी ओए ये तो बैठा सोफे पे अपने, बढ़िया बेल्ट बुल्ट लगा के। अच्छा ये बता मेरा बिस्तर कहाँ है? मेरा बिस्तर? आपका बिस्तर तो वही है, आप वहाँ सो गए, हम यहाँ सो जाएंगे इधर इस पे लगा के ना। एक बेड यहाँ बन जाएगा, मैं या निखिल में से एक बंदा इधर, देख रहे हो कितनी सीटें हैं, कितने लोग चल सकते हैं, बेल्ट ज्यादा है, एक बंदा ऊपर सो जाएगा अपना। यहाँ फुल प्राइवेसी के लिए कर्टन भी लगे हुए हैं, बाबूजी को देखो कंफर्टेबल हो गए हैं। हाँ जी सर, यार इसको तो चलाने में इतना मजा आएगा। वो आप लाइसेंस है आपके पास इंटरनेशनल? मम्मी आती सबसे पहले स्टोरेज दराज खोलने में लग गई है। अब स्टोरेज का क्या, हमारा सामान तो सारा उस आरवी में रह गया। कोई बात नहीं यार, जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहे। अच्छा फ्रिज देखो, ये देखो आपका चूल्हा फर्स्ट क्लास, तीन स्टोव है इसके अंदर, और यहाँ से बढ़िया वो जनरेटर और हुड फैन की लाइट और सब बढ़िया। ये आपका माइक्रोवेव हो गया नीचे, इसमें इसमें गैस वाला हुआ है, ओवन है, तो ये हम कमी यूज करेंगे। फ्रिज देख लो जिसका, ये ऐसे खुलता है, पूरा सेट है बढ़िया। अभी इसको ऑन करके रखा हुआ उन्होंने ऑटोमेटिक, यानी कि गैस पे चल रहा है, लगा दिया होगा ताकि ठंडा हो जाए हमारे लिए। ये है जी बाथरूम, वॉशिंग एरिया अलग है इसमें। हाँ, ये नहाने का एरिया अलग है, और मेरे ख्याल से पॉटी अलग है, यानी कि दो बंदे इकट्ठे तैयार हो सकते हैं, एक अंदर एक उधर। मैं पहले देख लूँ ना कि मेरे मतलब का सामान कितना है कि नहीं है। माता जी सबसे पहले अपना चेक करना शुरू कर दिया, ये तो पूरा फुल्ली लोडेड है। ठीक है, बढ़िया, चक्कू कड़छियां बढ़िया। आपको पता है ये जो पूरी एक बंदे के हिसाब से किट है ना, इसको कन्वीनियंस किट बोलते हैं, ये $100 की पड़ती है, मगर हमें ये फ्री मिली है। अच्छा। और मैंने उन्हें बोला कि हम 6 लोग हैं, हमें 6 के हिसाब से दो ताकि एक्स्ट्रा बर्तन आ जाए। अच्छा। और एक्स्ट्रा तकिए, एक्स्ट्रा गद्दे, सबके पास 2-2 तकिए हो गए, हमें तो 2-2 चाहिए। और यार ठंड भी अगर होगी तो कंबल भी, $570 का माल फ्री मिला है। अरे माता जी आपकी चाय का सामान पूरा बढ़िया केतली है आपके लिए तो। इधर से मम्मी वो देखो पीछे इसके बेडरूम में ना खिड़की भी है, पीछे भालू आ रहे होंगे, यहाँ पे आप चाय की चुस्कियां लगा रहे होंगे, क्या फील है लाइफ में? आए 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 आए, अरे मास्क उतार दो, अपनी आर्मी में आ गए मम्मी। पहले मुझे वो देखने दे, वो फ्राइंग पैन सॉस पैन वगैरह वो सब कहाँ है? फ्राई पैन सॉस पैन का सेक्शन अलग है, मिल गए कुकर हम अपना लेके आए। कुकर के बिना तो आपने जाने ही नहीं होता। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे? अभी हम विमर्श कर रहे थे ना इस बात पे कि इसका ये सिर्फ लिविंग रूम बाहर जाएगा। हाँ। इस साइड से जाएगा बेडरूम, इसका इस तरफ से बाहर जाएगा। अच्छा, बेडरूम बाहर निकलता है? ये मैकेनिज्म पीछे दिख रहा है ना मेरे को कोने में? ओ यस, बेडरूम एक्सटेंड हो जाएगा, बेडरूम राइट साइड से निकलेगा, यहाँ ना बीच में रास्ता बन जाएगा। आराम है। चलो जी, क्या रहे आगे, आगे रास्ता आराम देगा। यार इसका ये कन्वीनियंस सेंटर कहते हैं इसको, बढ़िया लगा मेरे को। हाँ। सिस्टम इसका, तो जो टैंक्स कहाँ से चेक होते हैं? ये इस पे देखो ना, फ्रेश ब्लैक और ग्रे 3 बटन है। अच्छा अच्छा अच्छा, और एक ही लेवल लगा हुआ है, फ्रेश दबाया फुल दिखा दिया उसने, पानी भर के दिया है, ब्लैक दबाया एम्प्टी दिखा दिया, ग्रे दवाई एम्प्टी दिखा दिया, यानी टैंक खाली पानी एकदम बढ़िया। ये है ना रेंटेड का, बिल्कुल होटल आप लेके चल रहे हो, थोड़े पैसे लगेंगे मगर कोई बात नहीं, फील बहुत ज्यादा आएगी और बहुत सारी चीजों से मम्मी स्ट्रेस फ्री रहेंगे, है ना? ठीक है, अब बस एंजॉय करना, फोकस करना, क्योंकि कनाडा की हाईलाइट अब शुरू होने वाली है। बैंड बढ़िया। अच्छा अब तो एक बात ये है कि अब ये देख लो कि हमें बाजार से अब खरीद के क्या यार चलना है, देसी सामान अभी लेते हैं। ये तो इसका बर्तन धोने वाला लिक्विड भी लेना पड़ेगा। हाँ हाँ,
है ना, एक वो चाहिए, ये तो है। चलो चलो इसको तैयार अभी करेंगे, पहले यहाँ से निकल के सामान डालें होटल जाके, ठीक है। चलो यार, ये इसका दरवाजा का जुगाड़ तो बड़ा अजीब सा लगा मेरे को भैया। ऐसे ही है, लाइट वेट नहीं तो मेरे को दिख रहा है अंदर। चल नहीं यार, हमने कौन सा देख देख के सवाल लिया है। और बाथरूम को भी ये यहाँ से ऐसे कवर कर लेता है। एग्जैक्टली, वेरी स्मार्ट प्लानिंग। चले अब चले निकले यार, चलो अंदर ही बातचीत कर जा रहे हैं। चलो जनरेटर है ये, जनरेटर नहीं, अंदर से भी स्टार्ट होता है, अंदर से भी होता है। क्लोज्ड पे है, तो क्या मतलब है? कवर का है। अब माता जी मेन चीज अपनी देखने आ गई है, एक्सटर्नल स्टोरेज, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए हम खोल खोल के चेक कर रहे हैं ब्लैक वाटर टैंक कहाँ से जाएगा, ग्रे क्या है क्या नहीं है, और कितनी जगह है हमारे पास सामान डालने के लिए। हाँ जी सर, दिखाइए जरा। चलो एक तो छोटा कंपार्टमेंट ये हो गया, यहाँ पे कोई एक सूट के साथ जाएगा अटैच। या मेन तो बड़े वाले ये हैं, वो प्रोपेन का है, इसके अंदर गैस जो है भरती है, क्योंकि गैस से ही जो है इसकी हीटिंग चलती है। फर्नेस के अंदर गैस घूमती है, चूल्हा जलता है, उससे हवा सर्कुलेट होती है, और उसी से ही वाटर हीटर का पानी गर्म होता है, एज मट यू ऑल मेट नो, पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो इसीलिए प्रोपेन भरवानी बहुत ज़रूरी है, और जब बिजली नहीं होती तो फ्रिज भी प्रोपेन गैस से चलता है। ये है जी इलेक्ट्रिक सप्लाई, 30 एम्पेयर की पावर, ये पानी की पाइप, और ये कन्वर्टर 30 एम्पेयर टू 15 एम्पेयर। तो इसीलिए ये काम सारा सेट है, ये बस यहाँ से निकलना जाए, इसको यहाँ फिर मतलब कि छेद में से गिराओ, छेद का फ्लैप नहीं है। यार इसमें तो बहुत सारी जगह थी हमारा सामान रखने की, मगर यार आरवी इससे सामान वो वाला उठा के लेके आते तो नहीं, कार में नहीं ला सकते थे। हाँ, ना चलो अब बार बार वो बात करके ना मूड खराब हो जाता है कि भाई अब बार भी क्यों होता हमारे पास, इसमें इतनी जगह थी स्टोरेज के लिए। चलो अब जो भगवान की मर्जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता भाई भगवान ने कोई बड़ी बला डाली हो उसको खराब करवा के। तो इसीलिए अब पीस ऑफ माइंड से अब फोकस सिर्फ शूटिंग, घूमने, और कनाडा के सबसे खूबसूरत हिस्से रॉकी माउंटेन्स, बैंफ, जैस्पर और नेशनल पार्क्स में आने वाली वीडियो में। बट गाइज प्रोसेस काफ़ी लंबा है, अभी हमें यहाँ से निकलना है, होटल जाना है, सेटिंग करनी है, मोटर होम को मम्मी के और हमारे रहने के हिसाब से सेट करना है। तो वो सब हम करेंगे अगली वीडियो में, और फिर निकल जाएंगे बैंफ की तरफ। वैसे हमने आज ही जाना है, बट वीडियो ब्रेक करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है। ये वाली पसंद आई हो गाइस तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और किस तरह हम धक्के चला रहे हैं हमारी मोटिवेशन के लिए और चैनल के सपोर्ट के लिए, सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।